कॉजिस ऑफ रीजनलिज्म रीजनलिज्म के क्या क्या कॉजेज हैं रीजनलिज्म होता क्या जब हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ग्रोथ पर फोकस करते हैं उसी को रीजनलिज्म कहते हैं रीजनलिज्म एक कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है जो बहुत सारी चीज़ों के कारण होता है या तो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चर इकोनमिक सोशल साइकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन यह सब कारण है जिसके वजह से रीजनलिज़्म होता है क्या जोग्राफिकल फैक्टर है जिसके वजह से रीजनलिज्म होता है हम लोग हमेशा देखते हैं कि शुरुआत से हिमालयास जो है वो एक डिवीजन बैरियर के रूप में एक्ट किया है

वो हमेशा से सेपरेट किया है इंडिया को दूसरे सब कॉन्टिनेंट से दूसरे रेस्ट ऑफ एशियन सब कॉन्टिनेंट से कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ़ यूनिक कल्चर एंड रीजनल आइडेंटिटी इन दिस रीजन जिसके वजह से हिमालय का जो हिमालय के इस तरफ लोग रहते हैं उनका अपना यूनिक कल्चर और रीजनल आइडेंटिटी है

तो वेस्टर्नाइजेशन हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न ड्रेस को वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ज़्यादा करते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि कॉलोनियल रूल रहा तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट किया रीजनलिज़म में Cultural, factor kea, kaise contribute cultural factors such as regional dialect, language, customs and traditions can contribute to a distinct regional identity and a sense of belonging. for instance, the unique culture, language of the Kanjian people of loessens have contributed to the development of a strong regional identity in the region. कल्चर आइडेंटिटी कैसे हर कंट्री का अपना कल्चर होता है कस्टम होता है ट्रेडिशन होता है उनका अपना आइडेंटिटी होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है और हम कल्चर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में उसका अपना कल्चर का अपना महत्व जैसे कि आप महाराष्ट्र में ले लीजिएगा तो महाराष्ट्रन जो है वो अपने लैंग्वेज पर ज़्यादा प्राइड कन्नड़ में बहुत ज़्यादा इशू होता है कन्नड़ एंड हिंदी लैंग्वेज में तो कन्नड़ हैव देयर ओन प्राइड फॉर देयर लैंग्वेज तो इसी को कहते हैं कल्चर फैक्टर पर्टिकुलर रीजन में उस लैंग्वेज का महत्व ज़्यादा दे रहे हैं लोग इकोनॉमिक फैक्टर इकॉनमिक डिस्पेरिटीज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड पैटर्न कैन क्रिएट रीजनल टेंशन एंड फील रीजनलिजम फॉर एग्जाम्पल द इकोमिकस्पेरिटी बिटवीन द नर्दन एंड सर्दन रीजन ऑफ इटली हैव कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल टेंशन एंड द रज़ ऑफ रीजनल पार्टीज हम लोग देखते हैं कि इकॉनमिक uh, फैक्टर भी रीजनलिजम में कंट्रीब्यूट uh, करता है हमेशा इकॉनमिक डिस्पेरिटी हम लोगों को देखने को मिलता है किसी कंट्री uh, को वो ज्यादा रिसोर्स मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होता है और किसी भी किसी को कब कम होता है तो इससे क्या होता है एक रीजनल टेंशन क्रिएट होता है कि हमको भी वो कोल चाहिए या हमको भी वो फ्यूल चाहिए तो इससे रीजनलिज्म क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर में वो रीजन है रीजन में वो रिसोर्स है तो उस वहाँ पर जो रिसोर्स है ऑफकोर्स उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स से हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक टेंशन भी क्रिएट करता है रीजनलिज्म पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल डिसीजन एंड इंस्टीट्यूशन कैन लेट टू रीजनलिज्म द क्रिएशन ऑफ अ फेडरल सिस्टम्स और द डिवोल्यूशन ऑफ पावर कैन लीड टू रीजनलिज्म एज अ रीजन सीक्स ग्रेटर अटानमी और सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंस्टेंस द डिवोल्यूशन ऑफ पावर इन द यूनाइटेड किंगडम्स लेट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट एंड द वेल्श असेंबली विच हैज रीजनलिज्म इन द स्कॉटलैंड एंड वेल्स पॉलिटिकल फैक्टर कैसे हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जैसे कि आप ले लीजिए द क्रिएशन ऑफ फेडरल सिस्टम जैसे कि फेडरल सिस्टम का क्रिएशन हुआ पावर जो था वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया इसके वजह से क्या हुआ एक रीजन में उसका इकोनमी बना फिर सेल्फ गवर्नेंस का पहले आप जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ही देखिएगा या यूरोप में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म का फीलिंग हुआ सबसे पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ फ्रेंच में लोगों को अपना आज़ादी मिला नेपोलियन हुआ फिर नपोलियंस क्या किए दूसरे जगह जाके नेपोलियनिक कोड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और फिर वो जाके दूसरे अपने आर्मीज के साथ दूसरे जगह जाके भी अपना आ, आर्मी के हेल्प से उनको फ्रीडम दिलाने लगे तो कैसे एक रीजन से दूसरी रीजन में इस चीज़ को इस चीज़ की बात फैली तो एक आप पॉलिटिकल फैक्टर भी देख सकते हैं कि कैसे रीजनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी आ, देखता है और कैसे पॉलिटिकल फैक्टर रीजनलिज्म को ओवर पा करता है या आप कह सकते हैं कि कैसे वो आ, उसको दिखाता है वैसे ही जैसे कि आप कल्चर आइडेंटिटी कॉलोनियल रूल आया तो कल्चर हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर फैला तो पॉलिटिकल फैक्टर में भी वही हम लोग देख सकते हैं कि फ्रेंच को मिल गया उसके बाद फ्रेंच से दूसरे को भी पता चला कि नेचुरल राइट्स क्या होता है तो ऐसे एक रीजन से दूसरे रीजनस को पता चलता है सोशल फैक्टर इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस कैन कंट्रीब्यूट टू रीजनलिज्म पीपल सीक्स टू प्रिजर्व द कल्चर आइडेंटिटी और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट सोशल फैक्टर जैसे कि अर्बनाइजेशन होगा फैक्ट्रीज का फैक्ट्रीज uh, बनेंगे तो लोग ऑफकोर्स वहाँ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे लोग और वहाँ पर अपना कल्चर जो है वो कल्चर आइडेंटिटी को uh, करे उनका उनका अपना कल्चर आइडेंटिटी है तो वो उसको ऑफकोर्स फॉलो करेंगे तो इस तरीके से क्या होता है एक रीजन से दूसरे रीजन्स में वो कल्चर वो आइडेंटिटी जो है वो ट्रांसफर भी होता है बट लोग अपने कल्चर आइडेंटिटी को हमेशा प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल द इनफ्लक्स माइग्रेंट्स इन द सर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनलिस्टिक सेंटिमेंट इन द रीजन आप देखिएगा कि सर्दर्न यूनाइटेड स्टेट में एक रीजनलिज्म uh, का जो रीजनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है वो बढ़ा है क्योंकि माइग्रेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से थे और वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के माइग्रेंट्स वहाँ पर जाके वर्क करना स्टार्ट किए या वहाँ पर जाके सेटल किए तो ऑफ़कोर्स उनका जो कल्चरल आइडेंटिटी होगा वो बढ़ेगा इंडिया के लोग आप देखिएगा फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं तो उनका अपना रीजनल रीजनलिस्टिक सेंटिमेंट्स से फेद है वो लोग फॉलो करते हैं तो ऑफ़कोर्स वहाँ का यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो वहाँ पर वो रीजनलिज्म जो है वो प्रमोट करेंगे अपने रीजन को वो तो ऑफकोर्स वहाँ पर करेंगे ही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग पीपल परसेप्शन ऑफ देर रीजन्स एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग आइडेंटिटी एंड अटैचमेंट कैन ड्राइव रीजनलिजम्स फॉर इंस्टेंस द स्ट्रॉग सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी एंड द अमेरिकन साउथ हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन द रीजन साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग पीपल परसेप्शन ऑफ देर रीजन एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं आपके दिमाग में चलते रहता है कि हाँ हम इस रीजन में रहते हैं हमें यह कल्चर फॉलो करना है ये आइडेंटिटी है हमारा तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी जो है वो रीजनलिज्म को प्रमोट करता है कि आपको अपने रीजन के कल्चर को या जो आइडेंटिटी है उसको ले चलना है ग्लोबलाइजेशन कैसे रीजनलिज्म को प्रमोट किया है ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रीजनलिज्म एज द कम्युनिटी सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड प्रिजर्व द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फेसिस ग्लोबल इकोनॉमिक कल्चर फोर्सेज फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ़ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इन एशिया हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन द रीजन ग्लोबलाइजेशन आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे ग्लोबलाइज क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन होता है ग्लोब मीन्स ही ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब जो है पूरे यूनिवर्स का एक ग्लोब होता है जो रहता है तो उससे आप क्या समझ रहे ग्लोबलाइजेशन कैसे रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन क्या करता है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वर्क करने बट उनका जो इंटरेस्ट है वो अपना प्रिजर्व करके रखते हैं अपना उनका जो फेद है वो उन अपने आप फेथ को प्रिजर्व करके रखते हैं जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है कि आप जो हैं मेरे कल्चर को आ, या मेरे फेथ को आप हिंडर नहीं की करिये, करिएगा तो ऐसे हो रहा है ग्लोबलाइजेशन में भी कि आप मेरे कल्चर मेरे बिलीफ को हिंडल नहीं करिएगा आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं उसके अलावा आपको जो भी ट्रेड करना है तो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है ऐसे रीजनलिज्म जो है वो ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कैन इन एडवेंचुअली फ्यूल द रीजनलिजम बाई करिएटिंग रीजनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्पावरिंग द रीजनल एक्टर्स फॉर इंस्टेंस द डिसेंट्रलाइजेश पावर इन इंडोनेशिया हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन द कंट्री गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो क्या करती हैं एक पर्टिकुलर रीजनस के डेवलपमेंट के लिए इनिशियटिव के लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज लाती हैं या कोई भी एक ऐसा रीजन रहता है जहाँ पर वो नहीं चाहती है कि डेवलपमेंट हो क्योंकि वहाँ पे उनको वोट नहीं आता है तो कभी कभी वो बायस भी हो जाती है नेचर नेचर से बट मोस्टली वो क्या करती हैं एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए वो पॉलिसीज़ बनाती हैं तो ऐसे रीजनलिज़म प्रमोट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी से भी गवर्नमेंट चाहती हैं कि उनका जो कल्चर है उनका जो फेद है वो स्टोर है ट्रेडिशन जो है वो स्टोर है गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज इनिशिएटिव्स ले रही है कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है योगा ये सब चीज़ को लेके वो प्रमोट करिए ताकि हमारा जो कल्चर है वो सेफ रहे फाइनली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द राइज ऑफ रीजनलिज्म पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टी सीक्स टू मोबिलाइज रीजनल सेंटिमेंट्स एंड क्रिएट रीजनल आइडेंटिटीज़ फॉर एग्जाम्पल द राइज ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी इन स्कॉटलैंड हैज़ फ्यूल्ड द रीजनलिज्म इन द रीजन तो नेशनल आइडेंटिटी आपका जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है वो भी रीजनलिज्म को प्रमोट करता है आप वो बोलते हैं कि हम बिहार के हैं हम बिहार की बेटी हैं या हम यूपी के बेटी हैं या आप अपने कंट्रीज अपने स्टेट के लेके स्टेट को लेके बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं एक रीजनल सेंटिमेंट लोगों में बना रहे हैं कि हम भारत की बेटी हैं या हम भारत के हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप एक रीजनल सेंटिमेंट बना रहे हैं कि एम फ्राम अ पर्टिकुलर रीजन सो यू शुड वोट मी यू शुड वोट फॉर मी तो इस तरीके से भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी जो है वो रीजनलिज़म को प्रमोट करती है इन कंक्लूजन रीजनलिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना विथ मल्टीपल कॉजेज दैट कैन बी कैटेगराइज इंट टू जोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चर इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशल साइकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फैक्टर अंडरस्टैंडिंग दिस काजेज इन एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द रीजनलिज्म रीजनलिज्म जो है वो एक कॉजेज़ के चलते नहीं है कॉम्प्लेक्स फेनोमिना के चलते हम लोग रीजन रीजनलिज्म को देखते हैं तो एस ई हम लोग कह सकते हैं कि रीजनलिज्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना और इसका डिफरेंट कॉजेज है जिसको हम लोग कवर किए हैं अभी थैंक यू एवरीवन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल